नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ कि क्यों सावन महीना में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। यूं तो दोस्तों, भगवान शिव को एवरीडे भगवान शिव का अभिषेक दूध से ही करना चाहिए और स्पेशली सोमवार के दिन तो भगवान शिव को दूध अर्पित करना ही चाहिए, चाहे वो सावन महीना हो या ना हो। लेकिन सावन में भगवान शिव की इतनी पूजा और वो भी गाय के दूध से क्यों बताई जाती है? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, मैं आपको बता दूं। कई बार आप बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों ऐसा? हर चीज के पीछे यदि आप हमारे पुराणों को पढ़ेंगे, हमारे ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज को जब हमारे ऋषि मुनियों ने बताया तो उस चीज को उन्होंने धर्म के साथ जोड़ करके बताया। धर्म के साथ इसलिए जोड़ा कि हमारी आस्था प्रबल हो, आप ये काम करोगे तो ये भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। उनकी बात में लॉजिक था। आज जमाना वो आ गया है कि हम धर्म से दूर दूर भागने लग गए और हम ये कहते हैं कि हमको लॉजिकली बताओ, साइंटिफिक ढंग से बताओ, क्या साइंस कहता है वो सही है। जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमको बता रहे हैं, उस पर हमें विश्वास कम रह गया, नहीवत रह गया। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हैं बहुत भाग्यशाली हैं, जो अपने धर्म पर भरोसा करते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जो अपने धर्म से जुड़ा है वो इस लोक में भी सुख भोगता है और परलोक में जाकर के भी सुख भोगता है, क्योंकि अपने धर्म से जुड़ा है। हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, उससे कौन से कर्म करने चाहिए। जो चीज आपको जीना सिखाए, सही कर्म करने की दिशा सिखाए, वही आपका सही धर्म है। जो आपके अंदर प्रेम उत्पन्न करे, अहिंसक बनाए, वही तो धर्म है। जो इस जीवन को और सुंदर 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 बनाता जाए, वही तो सात्विक इंसान है ना? तो दोस्तों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं, सावन का महीना बारिश की सीजन है। चारों तरफ प्रकृति पानी से नहा रही है, अमृत वर्षा चारों तरफ होती है, हर जीव आह्लादक हो जाता है, कण कण में जीव पड़ना शुरू हो जाता है ना? इसीलिए सावन महीने में हमें व्रत उपवास रखने के लिए बताया जाता है। हर चीज में जीव पड़ जाता है, जीवों की रक्षा हो, व्रत करें, उपवास करें, ताकि आपके मन पर आपका संयम रहे। तप करें सावन में। सावन में तप नहीं करेंगे तो ये सीजन वो है कि आपका मन आपके हाथ से निकल जाएगा। सावन में उपवास इसलिए भी बताए जाते हैं कि उस समय आपका लीवर कम काम करता है, ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता, ज्यादा पावरफुली काम नहीं करता, वो जल्दी से किसी चीज को पचाने में समर्थ नहीं होता। जो चीजें आप खा रहे हैं उन तमाम चीजों में, जैसे कि मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी, सावन में ये चीज नहीं खानी चाहिए, उसमें मैंने बताया था कि हरी सब्जियां, क्योंकि हरी सब्जियां एंड स्पेशली जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें अनगिनत जीव होते हैं, अनगिनत जीव। हम मनुष्य हैं और हमें पता है कि इसमें जीवात पड़ गई है, हम उसको नहीं खाएंगे। लेकिन जो गाय है, भैंस है, इन्हें ऐसा कुछ भी पता नहीं होता, वो उन तमाम जीवों को खाती हैं। उस समय जो उनका दूध आता है गाय का, वो उतना प्योर नहीं हो पाता। सावन महीने में गाय जो दूध देती है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा आप शिवजी की पूजा करें, वो दूध, वो तमाम दूध आप पिए नहीं, उसको शिवजी को अर्पित करें। सावन महीने में इसलिए शिव पूजा का बड़ा महत्व है। गाय के दूध से यदि हम शिव जी की पूजा करते हैं
तो शिव जी की हम पर विशेष कृपा उतरती है, क्योंकि गाय बहुत शुद्ध प्राणी है। गाय उसे सिर्फ प्राणी कहना भी गलत है, क्योंकि वो तो साक्षात एक अलौकिक, एक दैविक चीज है, जिसकी हर चीज पॉजिटिव है, हर चीज इस सृष्टि के लिए वरदान है। सावन में उनका उसका भी दूध पीना वर्जित है, क्योंकि गाय माता जो हरियाली खाती है उस हरियाली में भी बहुत सारे जीवों का वास होता है, और उस समय जो दूध देती है उस दूध को शिव जी को अर्पित करना ही सबके भले में है। उस दूध का आप भक्षण करते हैं तो आपके अंदर हिंसकता होती है, लेकिन वही यदि आप भगवान को अर्पित करते हैं और तपस्या करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज डेवलप होती है, है ना, जो सृष्टि के तमाम जीवों का भला करती है। इसलिए दोस्तों सावन महीने में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है ज्यादा से ज्यादा, और वो भी गाय का दूध ज्यादा से ज्यादा आप अर्पित करें, दूध का त्याग करें। कितने ही प्रकार के पापों से आप बच जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।